आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। कर्मचारियों को दंड देने वाले फैसले का माकपा ने की निंदा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी मंडी ने प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कल कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल व बहिष्कार आदि को लेकर पिछले कल जो निर्देश जारी किए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मंडी जिला सचिवालय का सदस्य हूँ। हमारी पार्टी ने आज एक प्रयास बयान जारी किया है, जिसके तहत पिछले कल जो हिमाचल सरकार ने एक बहुत ही कर्मचारी विरोधी जो फैसला है, जो सर्कुलर एक जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारियों को हड़ताल करने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक तरह से कुछ दंडात्मक कार्रवाई करने का फरमान जारी हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान के धारा 1921 के तहत ये प्रावधान है कि कोई, जिसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ कोई भी जो समूह है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे दूसरे जो समाज के अंदर जो नागरिक है, वो संगठित होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर जो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी किया है, जिसमें मुख्यतः जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो आंदोलन पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और उसके लिए एक पदयात्रा और दूसरे आंदोलन अलग अलग समय में होते रहे हैं, तो ये सरकार का एक तरह से तानाशाही पूर्वक और एक तरह से अनडेमोक्रेटिक जो है ये फैसला है, इसको वापस लिया जाना चाहिए और सभी कर्मचारियों को ये अधिकार है कि वो अपनी मांगों के बारे में, जिसमें अभी जो वेतन आयोग है जिसके तहत बहुत सी खामियां उसके अंदर है, उसके बारे में कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है, तो इस तरह से जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनके कुछ मसले हैं, तो ये सब जो मसले हैं सरकार को हल करने चाहिए, ना कि कर्मचारियों को डराने धमकाने के लिए इस तरह का जो फैसला है वो लेना चाहिए। हमारी पार्टी की मांग है कि प्रदेश की सरकार को इसको जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का जो अधिकार है उसका किसी भी स्तर पर हनन ना हो।